भारतीय राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का गठन कब किया गया था और किसके सिफारिश पर किया गया था? आंसर, कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? आंसर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का कब गठित की गई थी? आंसर, 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आंसर, 389। नेक्स्ट, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? आंसर, 299। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी देसी रियासतें थीं? आंसर, 542। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? आंसर, हैदराबाद के। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और इसके अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि एक अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर, B.N. Rao मीन्स बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कब चुने गए? आंसर, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? आंसर, B.N. Rao द्वारा मीन्स बेनेगल नरसिंह राव द्वारा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? आंसर, 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर, J.B. कृपलानी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आंसर है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट, संविधान की कुंजी किसे कहा गया? आंसर, प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी प्रस्तावना है, यह बात किसने कही थी? तो कुरुजू ने। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई? आंसर है, 114 दिन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? मीन्स उस दिन लागू नहीं किया गया, केवल अंगीकार किया गया। आंसर है, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, संपूर्ण संविधान भारत में कब लागू किया गया? तो आंसर है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? आंसर है, वीयर ने। नेक्स्ट, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395, अनुसूची थी 8, भागों की संख्या थी 22। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? लगभग 444 से अधिक। नेक्स्ट, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर है, 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? तो 22। पहले 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 थी, लेकिन अब 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आंसर है, 29। नेक्स्ट, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था? 14। नेक्स्ट, संविधान में देश का नाम क्या रखा गया है? आंसर है, भारत अथवा इंडिया। नेक्स्ट, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को। नेक्स्ट, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग और अध्याय में वर्णित है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 में वर्णित है। संविधान का 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो 15वां भाग का विषय क्रमशः निर्वाचन, 18वां भाग का विषय आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? मीन्स भारत का। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आंसर है, संसद को। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था और इसका गठन कब हुआ था? तो आंसर है, आंध्र प्रदेश गठन हुआ था 1953 में। नेक्स्ट, 7वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1956 में हुआ किससे संबंधित है?
आंसर है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे। नेक्स्ट, असम राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर है 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य कब बना और किस संविधान संशोधन द्वारा बना? आंसर है 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? आंसर है 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब और किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? आंसर है 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। नेक्स्ट, संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? आंसर है जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था मीन्स प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ किस देश से लिया गया है? आंसर है कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आंसर है ब्रिटेन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आंसर है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में किस भाग में वर्णित है और इसमें कितने अनुच्छेदों को रखा गया है? तो आंसर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को भाग 4 में रखा गया है और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक को रखा गया है। नेक्स्ट, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है जर्मनी के वीमर संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद के किस अनुच्छेद और किस भाग के तहत शक्ति प्राप्त है? तो भाग 20 है अनुच्छेद 368 के द्वारा। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। वर्तमान, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में 62, संघ में 98, 98 और समवर्ती सूची में 52, 52 है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केंद्र, आंसर है केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय किस सूची में रखा गया है? आंसर है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, कानून व्यवस्था किसका विषय है? तो कानून व्यवस्था राज्य विषय है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा का विषय किस सूची में रखा गया है? आंसर है संघ सूची का, संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य विषय किस सूची की विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। ग्रामीण अनुसूची संबंधित है, ग्रामीण अनुसूची पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग किसे माना जाता है? आंसर है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसे होती है? आंसर है राज्य सरकार को। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की थी या किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसे त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब और किस राज्य में लागू किया गया था? आंसर है 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस प्रकार का है? तो भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए की समयावधि क्या है? भारत में नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष, खोने के लिए 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है और इस भाग में कितने अनुच्छेदों को रखा गया है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में और इसमें अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो आंसर है 7, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? आंसर है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका किसने दायर की थी? आंसर है हैबियस कॉर्पस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आंसर है
11, 11 नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो आंसर है 100वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो आंसर है अनुच्छेद 19 का पहला का क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा स्तंभ किसको इंगित करता है? आंसर है प्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 29 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, यह संविधान का कौन सा संशोधन था? आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं, जो इस प्रकार है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आंसर है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? आंसर है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया है महाभियोग, जो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है? तो आंसर है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो आंसर है राष्ट्रपति का 1.5 लाख और उपराष्ट्रपति का 1,25,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद किस तहत के अनुसार प्राप्त है? आंसर है अनुच्छेद 72 के अनुसार। क्वेश्चन, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था वे कौन थे? आंसर है एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो आंसर है संसद व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मीन्स लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? आंसर है क्रमशः 2 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर आधारित होता है? आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? आंसर है प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन घोषणा करने का अधिकार अनुच्छेद के इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे जिनका कोई विरोध नहीं किया गया था? आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ऐसे कौन से 2 राष्ट्रपति थे? आंसर है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? आंसर है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? आंसर है राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? या भारत के प्रथम नागरिक को शपथ कौन दिलवाता है? आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? आंसर है बहुमत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किस निधि की जाती है? आंसर है संचित निधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था और किस राज्य में लागू किया गया था? तो आंसर है 1951 में पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि क्या होती है? तो आंसर है न्यूनतम होती है 6 माह के लिए और अधिकतम होती है 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा कहा गया है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो आंसर है अनुच्छेद 74 का पहला। नेक्स्ट, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, UNO में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार कब भाषण दिया था? तो 1977 में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो आंसर है PV नरसिम्हन राव। नेक्स्ट, पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है VV गीधी। नेक्स्ट, एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? आंसर है 3 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट, लोकसभा का गठन कब हुआ था? आंसर है 6 मई 1952 में। नेक्स्ट, संघ सरकार का विधानमंडल क्या होता है? आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट, संसद का निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन कौन होता है? आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में 552 तथा राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए? आंसर है 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट, प्राकलन समिति में कितने सदस्य थे और वो सदस्य किस सभा के थे? आंसर है 30 सदस्य लोकसभा के। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा की अवधि किस स्थिति में बढ़ाई जा सकती है? आंसर है संकट काल की स्थिति में। नेक्स्ट, पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी? आंसर है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एवं लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी थे और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह थे। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का कितना भाग उपस्थित होना आवश्यक है? आंसर है 1/10। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो आंसर है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट,
राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर है 1/3 सदस्य। नेक्स्ट, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? आंसर है B.S. रामादेवी। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो आंसर है हत्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद किस में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट, वित्त विधेयक की परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? आंसर है केवल 14 दिनों तक। नेक्स्ट, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है? तो आंसर है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, धन विधेयक सर्वप्रथम किस में प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है लोकसभा में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? आंसर है अनुच्छेद 153 का दूसरे के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास होता है? आंसर है विधानसभा को। नेक्स्ट, राज्य की शक्ति किस में निहित होती है? आंसर है राज्यपाल में। नेक्स्ट, राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है? आंसर है विधानसभा। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन क्या कहलाता है? आंसर है विधान परिषद। नेक्स्ट, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंसर है केवल 1। नेक्स्ट, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है? आंसर है विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? आंसर है 1/6 सदस्य। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की मंजूरी कौन करता है? आंसर है विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना हो सकता है? आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, यह बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? आंसर है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, लघु संविधान किसे कहा जाता है? आंसर है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री अपने पद पर कितने दिन तक बना रह सकता है? आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? आंसर है 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर है 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है? आंसर है 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल की अवधि होती है कितने घंटे तक? आंसर है 1 घंटे तक। नेक्स्ट, शून्यकाल कब आता है? शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है। नेक्स्ट, 12 से 1 बजे तक का समय क्या कहलाता है संसद में? तो वह कहलाता है शून्यकाल। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर है दल बदल अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आंसर था 42वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब और कहां हुआ था? आंसर है केरल में 1957 में। नेक्स्ट, संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर है 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का रूपरेखा किसने तैयार किया था? आंसर है सर हॉबर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस ने। नेक्स्ट, संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? आंसर है 18 जनवरी 1987 को लॉर्ड इरविन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की सुविधा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई? आंसर है 8वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान समीक्षा आयोग के
एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? आंसर है श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है 15 सितंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना और किस रूल के द्वारा बना? आंसर है सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? आंसर है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माने जाने लगा कब से और किस अधिनियम द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना था? आंसर है चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग कब गठित किया गया था? आंसर है 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब और किस सरकार अधिनियम द्वारा किया गया? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई, कब तक चली? तो द्वैध शासन प्रणाली 1921 से आरंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति स्वायत्तता कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1938 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरजातीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष कितनी बार होती है? अंतरजातीय परिषद की बैठक 3 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? आंसर है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है वी जी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किस अनुच्छेद में रखा गया है? आंसर है अनुच्छेद 124 मीन्स 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? आंसर है 31 न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? मीन्स भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्या करने वाला एवं संरक्षक करने वाला कौन किसको माना जाता है? तो है सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मीन्स सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर है हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे? आंसर है 8। पंजाब व हरियाणा के हाई कोर्ट के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट किसके अधीन है? आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता हाई कोर्ट किसके अधीन है? कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन सा राज्य इसके अधीन है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पुदुचेरी किस हाई कोर्ट के अधीन है? आंसर है मद्रास। लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है या अधीन है? आंसर है केरल के अधीन। दमन दीव नागर हवेली किस हाई कोर्ट के अधीन आते हैं? आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? आंसर है 1862 में कलकत्ता बम्बई मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? आंसर है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला हाई कोर्ट कौन सा है? आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो हाई कोर्ट का 65 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, हाई कोर्ट का 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या होती है? आंसर है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किसके तहत आधारित है? आंसर है 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर है 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि क्या होती है? आंसर है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आंसर है 30 अक्टूबर 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक अधिकृत कश्मीर में कितने जिला हैं? आंसर है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? आंसर है 27 मार्च 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा कब किस अनुच्छेद के तहत मिला? आंसर है अनुच्छेद 370 के तहत। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन कब गठित हुआ? आंसर है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी के थुंगन समिति की गठन कब हुआ था? आंसर है 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित कब किया गया था? आंसर है सन 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था और इसमें कितने सदस्य थे? तो आंसर है 1977 में, इसमें सदस्यों की संख्या 13 थी। नेक्स्ट, सुपर कैबिनेट मिशन क्या कहलाता है? सुपर कैबिनेट क्या कहलाता है? आंसर है योजना आयोग। नेक्स्ट, केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? आंसर है वित्त आयोग। नेक्स्ट, पुरानी वित्तीय समिति कौन होती है? आंसर है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है केसी नियोगी। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब और किस अनुच्छेद के तहत किया गया? आंसर है 1990 ईस्वी में, अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 22, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद तक किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 124 से 147 तक। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? आंसर है संघ की राजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 किस से संबंधित है? आंसर है आपातकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो आंसर है 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है 14 मार्च 1982 को, जूनागढ़ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संघ सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? आंसर है सलाहकारी। नेक्स्ट, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? आंसर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा का कार्यकाल कितने दिन तक के लिए होता है? आंसर है नियुक्ति से 6 साल या आयु से 66 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है? मीन्स लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी इस्तीफा किसको देते हैं या उनकी नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग कैसी संस्था है? चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करती है या करता है? आंसर है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर है सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, यह अनुच्छेद के किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो आंसर है चीनी आक्रमण के समय 1962 में। नेक्स्ट, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था? आंसर है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया था? आंसर है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आंसर है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना कब और किस राज्य में की गई थी? आंसर है 1687 में, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कब कहाँ किया गया था? आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त हुए थे? आंसर है राजस्थान। काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर है 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? आंसर है 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? आंसर है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का अर्थ है, गणतंत्र का क्या अर्थ है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार
राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? आंसर है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बुनाया जा सकता है, किसने कहा था? आंसर है केटी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक सुविधा लागू का एकमात्र राज्य कौन सा है? आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय तथा अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? आंसर है परम आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर कोर्ट के सामने पेश करने का समादेश क्या कहलाता है? आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? आंसर है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? आंसर है अरुणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विसेज AIS के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल मीन्स गवर्नर का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मीन्स हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? आंसर है 14 सितंबर 1949 को, अतः 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी मीन्स UNO की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं क्या होती हैं? आंसर है अंग्रेजी, व्योम, फ्रेंच। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो UNO में क्रमशः 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी मीन्स UNO की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन हैं? आंसर है चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग क्या होता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर है त्रिग्वेली, जो नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर है 9 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है अनंत शयनम अयंगर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया? तो आंसर है 1992 संविधान संशोधन मीन्स 52वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब दी गई? आंसर है 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, पोटा जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस कब लागू किया गया? आंसर है 25 अक्टूबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ? आंसर है 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? आंसर है 1950 में मीन्स 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है मीन्स UNO के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज मीन्स तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? आंसर है 22 जुलाई 1947 को, इसीलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त हुआ था? आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो आंसर है कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसके सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एवं AB अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया था? आंसर है 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाने वाला रीट कितने हैं? आंसर है 5। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यकाल के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना हाई कोर्ट है? आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? आंसर 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना कौन होता है? आंसर है क्रमशः चैत, नेक्स्ट फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? आंसर है पिछड़ी जातियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? आंसर है एक प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल कितनी संख्या थी? आंसर है 13 समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जनगण मन को भारत को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था और किस अधिवेशन में गाया गया? आंसर है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया और किस अधिवेशन में गाया गया? आंसर है 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, जनगण मन के रचयिता कौन है? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आंसर है वरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ति आपात प्रथम बार परिवर्तन में कितने दिन तक रहता है? आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था? आंसर है 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो आंसर है विधानसभा के सदस्यों का एक तिहाई और कम से कम 40 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो आंसर है क्रमशः विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य कब बना था और किस संविधान संशोधन द्वारा? आंसर है 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर है सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा कितनी होती है? आंसर है कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक? आंसर है 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने महीने तक हो सकता है? आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है और किस अनुच्छेद के तहत? आंसर है राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 147 के तहत 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर है प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष कब है? आंसर है 25 मार्च 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था? मीन्स त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 26 मार्च 2013। भारतीय राज्य व्यवस्था क्वेश्चन नंबर